ओम शांति। हैव ए लविंग इंटेलेक्ट। ओम शांति। विजय रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, एक के साथ सदा प्रीत। मीन्स दैट द लव ऑफ द एक ही इंटेलेक्ट लगन व इज प्रीत ऑलवेज एक कनेक्टेड प्रीतम के टू साथ वन सदा डिवाइन। लगी हुई हो। वेन यू ऑलवेज जब एक के लव साथ सदा प्रीत है देन यू कैन तो अन्य एंजॉय किसी एनी भी एनी व्यक्ति ह्यूमन व वैभवों के साथ प्रीत पोजेशंस जुट, बिकॉज ए लविंग क्योंकि प्रीत इंटेलेक्ट बुद्धि अर्थात सदा बाप सीज द दादा को अपने कॉन्स्टेंट सम्मुख एक्सपीरियंस अनुभव करने वाले एंड हैं। लर्न टू बी ऐसे परसेप्टिव सम्मुख रहने वाले कभी विमुख दोज हु नहीं हो सकते प्रैक्टिस हैं। इन फ्रंट ऑफ बाप दादा कैन नेवर टर्न अवे फ्रॉम हिम। ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति ओम परिवार, शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज लविंग तीसरा इंटेलेक्ट दिन है। इन ऑर्डर विजय टू रतन बनना बिकम है तो प्रीत ट्रूली बुद्धि स्ट्रांग बनो। आज टुडे का विषय है लव एक ऑफ के द साथ इंटेलेक्ट। सदा प्रीत। सो नाउ वी विल अभी हम मोहिनी सिंग दीदी से सुनते हैं। एंड एज यू ऑल नो यस्टरडे वी और स्टार्टेड जैसे आपको पता है द कल हमने जर्नी ऑफ मोहिनी दीदी मोहिनी दीदी की एंड यात्रा हमने शुरू की है। स्पेसिफिकली टू दोस डेज। तो हम सो वी आर उनको डूइंग पिछले दैट उन नाउ एंड सालों आई विल से शेयर लेके जा रहे हैं। दीदी तो दीदी के हाउ शेयर करने के मोहिनी बाद दीदी कल फ्रॉम यस्टरडे की जहाँ हमने एक्चुअली यात्रा रुका ट्रांसलेटेड इन था हिंदी। वो सो आई हिंदी विल में ही बी होगा। शेयरिंग तो दीदी के स्टोरी अभी शेयर ऑल्सो करने ड्यूरिंग के दिस बाद कन्वर्सेशन आप डायरेक्टली दीदी से एंड सुन आल्सो सकते हैं, क्योंकि वो एज हिंदी में होगा। मोहिनी अभी हम दीदी से सुनते हैं आज के विषय के ऊपर। ओम शांति। ओम शांति। जब भी मनुष्य को जीवन में कोई दुख आता है, कोई ऐसी बीमारी आती है, या कोई भी संबंधों में कोई बात होती है, तो भगवान को न मानने वाला भी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। I have seen in many, many contexts that हमने whenever कईयों के जो भी हमारे संबंध संपर्क में देखा है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई आपदाएं आती हैं, तो जिसको वो निवारण नहीं कर सकते हैं तो वो भगवान की याद करते हैं। भले मानते नहीं हो, स्वाभाविक रीति से भगवान को बुलाते हैं। इसका मतलब ये है कि भले विश्वास ना हो, परिचय ना हो, फिर भी आत्मा के अंदर वो अनादि संबंध, आत्मा का जो संबंध है भगवान के साथ, वो सदा वो खींचता है। कोई आपको कहेगा नहीं। कहते हैं ना, भगवान मेरी मदद करो। मुझे याद है मेरे कॉलेज में, स्कूल में एक बहुत सारे डायलॉग हुआ करते थे, जो भगवान को मानते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं, उन दोनों के बीच डायलॉग होता था। एक बार ऐसे हुआ So this person stood up and he said, "Oh तो God, एक help व्यक्ति me उठा और कहा कि हे भगवान, मदद करो कि मैं साबित करूं कि भगवान आप हैं नहीं। तो सभी हंसने लगे। तो पूछा कि आप सब क्यों हंस रहे हो? तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है सबके साथ है, सब आत्माओं के साथ, लेकिन हम इतने साकारी स्थूल संबंधों में इतने झटके झटके हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान कहते हैं कि भूल जाओ, ये मेरे काका है, चाचा है, माँ तो माँ है ही, बट देन आई हैव मदर एंड फादर पर इटर्नल मेरे पास भी अविनाशी माँ बाप हैं।
जो परम है, और मैंने हमेशा भगवान के साथ है, भगवान में है, जहाँ से मैं हूँ मैं एक दिव्य शुद्ध और बहुत लकी बच्ची हूँ। मैंने बहुत आदि से मेरे अंतरिक में वो महसूस होता था कि मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, जो भी मेरे भावनाएं हैं ये कोई मनुष्य आत्मा का नहीं है, क्योंकि मैं किसी मनुष्य आत्मा को नहीं देखती थी। तो भगवान का योगा, मैं भगवान की रचना हूँ, तो उनको पहचानना भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, हमारी प्रीत सिर्फ प्रीत नहीं है, जैसे इस दुनिया में प्रीत होता है वैसा वाला नहीं है, पर सच्चा स्नेह है। और वो क्या बनता है, और वो एक शक्ति, एक बल हो बन जाता है। अभी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ऐसे नहीं कि दादी प्रकाश मणि का स्नेह सिर्फ शिव बाबा के साथ था, नहीं, दादी का सर्व के प्रति स्नेह और रिस्पेक्ट था, वफादार थी। जो भी भगवान का, शिव बाबा का डायरेक्शन आया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो दोनों के साथ कंबाइन, बाप दादा के साथ उनका स्नेह था, सच्चा स्नेह था। अगर मुझे कहीं जाना है और कुछ करना है, मैं इसके पास जाती हूँ, उसके पास, क्या आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, तो मुझे काफी सारे ओपिनियन मिला, फिर मैं बाबा के पास जाती हूँ, तो बाबा कुछ नहीं बोल। So, दीदी said, Baba, you didn't say. दीदी ने कहा आपने तो कुछ बताया नहीं, तो बाबा बोलते इसने ऑलरेडी इतने लोगों से पूछ लिया है ना। बाबा को पता था भले मैं कुछ कहूँ वो अपना ही डिसीजन करेगा, तो बाबा सोचते टेक ओपिनियन फ्रॉम गॉड एंड नॉट कि भगवान से उतने राय ली और उसने नहीं किया तो उसके ऊपर बोझ चढ़ेगा। प्रीत लवेड इंटेलेक्ट लवफुल यही इंटेलेक्ट आपको पता चलता है कि प्रीत बुद्धि का है। कभी भी कहीं भी अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो, हमारी बुद्धि पहले बाबा के पास जाए, और फिर दादियां हैं, सब परिवार भी है, पर लेकिन सबसे पहले बाबा। तो कई लोग आपस में ही मिलते हैं, आपस में जाते हैं, और फिर बाबा चुप हो जाते हैं, बाबा कुछ कहते नहीं, पर लेकिन बाबा श्रीमत नहीं देते, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे परमत मिल गए, मन मत मिल गए, तो शिव की मत की क्यों जरूरत है, आपने इतने सारा ऑलरेडी सुन लिया है, आप उन्होंने जो कहा है आप वही करेंगे, तो बाबा श्रीमत नहीं देते। भगवान से लो और आप उस पर चलो नहीं तो और भी बोझ चढ़ेगा, तो इसलिए बाबा चुप रहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अगर मेरे जीवन में, जब मैं कनाडा आई तो हम किसी को नहीं पहचानते थे, हम एक मंदिर में गए, भाषण किया, और उसमें से एक युगल आए, अभी भी कांटेक्ट में है, उनका बेटा 4 साल का था, अभी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो उन्होंने पूछा आप किसी के घर में रहते हो क्या, तो मैंने कहा कि हम कोई स्थान ढूंढ रहे थे जहां हम रुक सकते हैं और कोई कोर्स कोर्स कराएं, तो उनका बहुत सुंदर एक घर था और वहां पर लेक भी है, तो दोनों स्कूल के टीचर थे या शायद प्रोफेसर थे, तो वो सुबह जाते थे और दोपहर को आते थे, we start teaching. तो हमने वहां सुनाना, एक बल एक भरोसा ही था। कहां पर भी हम गए, न्यूयॉर्क में भी गए, हम किसी को नहीं जानते थे, किसी लोगों को नहीं जानते थे, एक बल एक भरोसा किस में भेजा है, पर
हम क्यों आए हैं, हमने ये कभी भूला नहीं। तो ये स्नेह, तो जब हम राय लेते हैं तो फिर हिम्मत आती है, जो मार्ग सब का कनेक्शन सच्चाई लविंग के साथ इंटेलेक्ट जुड़ा हुआ है, सुप्रीत बुद्धि। ये दिल की बात नहीं है, बुद्धि की बात हो रहा है, प्रीत बुद्धि की बात हम कर रहे हैं। अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करने वाले, ऐसे सम्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते हैं। सम्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते हैं। तो एक बार पेन, जस्ट पेन, थोड़ी जैसे कि छाती में दर्द होने वाला था, तो मैंने सोचा उसको बोलूंगी नहीं कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। उस समय या मुझे सिस्टम का भी पता नहीं था, तो सबसे अच्छा काम है, मैं लेट गई, मैं सो गई, और फिर सो ही गई थी, फिर मधुबन चली गई। और मधुबन पहुंची, फिर अव्यक्त बाप दादा का दिन था। ये सब सपने में हो रहा है। तो दीदी ने देखा और कहा, तुम इतने दूर से आई हो? तो दीदी ने कहा, सब हटो हटो, वो दीदी बाबा से मिलो। तो मैं बाबा से मिली, बाबा मुझे अपने बाहों में लिया, और तो थोड़ी देर के बाद मैं उठी और फिर कोई दर्द नहीं था। तो बाबा को हम हर बात में इस्तेमाल करते, वो हमारा डॉक्टर भी है। उस समय हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि हम अपने जिसके घर में हम रुके हैं उनको भी हम बोले कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते थे वो खर्च करें। फिर उनका कोई दोस्त था जो डॉक्टर था, बहुत अच्छा एक संबंध, साथियों का एक सर्कल बना हुआ था, जहाँ बाबा के प्रति प्रीत है, वो हमारा बल है, वो हमारा एक सपोर्ट है, सहयोग है। कोई भी बीके से पूछ लीजिएगा, जब विदेश भेजा हो जहाँ उसको किसी का पता नहीं है, तो फिर ठीक है बाबा, देखते हैं बाबा आप क्या चाहते हैं। एक अद्भुत यात्रा होगी, पर बाबा की साथ है, साथी है। तो फिर सब कुछ अच्छी तरह से बीता गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम मंडल में शांति। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सो अव्यक्ति परिवार एंड ऑल दोस्त आर सिटिंग हियर, प्लीज स्विच टू योर ट्रांसलेशन। इट विल बी इन हिंदी, सो यू विल नीड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। ओम शांति दीदी। तो आगे बढ़े। आगे ही तो बढ़ना है। दीदी, हम आपके कराची से दिल्ली आने की यात्रा के बारे में बात किया, और फिर आपने कल बताया आपका फैमिली बैकग्राउंड, भक्ति का बैकग्राउंड बताया, आपके स्कूल का बैकग्राउंड आपने बताया। सो काफ़ी आपने बचपन की बातें बताई। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जब स्कूल में थे तो हमने काफ़ी सारी हिस्ट्री में ये सब पढ़ा था कि जब पार्टीशन हुआ तो ये हुआ ये हुआ, कई प्रकार की हिंसाएं हुई, बहुत सारे लोग जेल में गए, बहुत सारी बातें हमने सुनी पढ़ी। गांधी बापू जी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ाया गया, मतलब बहुत कुछ सुना जाना। पर आप तो आई नो आप छोटे थे, पर फिर भी ये पार्टीशन का टाइम था, 47 का दौर था, और ये सब कुछ चल ही रहा होगा इन दिनों में। तो आपको कुछ उसके रिलेटेड कुछ आपको बातें याद है
या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप उसका? जब हम लोग दिल्ली में आए तो उस समय पर महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता पर आंदोलन चल रहा था, और जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ, गोली मारी उनको, तो उनकी प्रोसेशन निकल रही थी। तो मुझे अभी तक भी याद है कि जब उनको ले जा रहे थे तो हम लोगों को भी ऐसे ऊंचा करके, और छोटे थे तो वो दृश्य मुझे अभी भी याद है। तो मैंने देखा कैसे महात्मा गांधी जी को ले जा रहे हैं। उसका मतलब आपने देखा है उनको, ऐसे नहीं देखा पर ऐसे देखा? नहीं, जब अच्छा, उनकी रथ की मतलब यात्रा हो अच्छा, रही थी ना, तो रथ को देखा हमने, उनके मतलब उनको जीते जी नहीं देखा हमने, लेकिन उनके रथ को देखा। क्या है कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा का आंदोलन था, तो वो न केवल भारतवर्ष में पर सारे विश्व में, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि भारतवर्ष पहला ही देश था जो कि विदेशियों के राज्य से स्वतंत्र हुआ। हम ब्रिटिश कॉलोनी कहते थे उस समय, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे कई देश स्वतंत्र हुए। तो उस समय का जैसे अच्छा अनुभव याद है कि कैसे उस महात्मा गांधी जी के अहिंसा के आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में। स्वतंत्रता मिली, फिर उसके बाद थोड़ी समझ आने लगी तो रिपब्लिक, नो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ इंडिया, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना। हाँ, तो थोड़ी थोड़ी बातें याद है। उन दिनों में स्कूलों में कैसे सब्जेक्ट्स होते थे? यही सब सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज एंड साइंस? कई चीज़ें होती है ना, एक तो लैंग्वेज का होता है कि आप हिंदी, अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो थोड़ी हिंदी पढ़ो, अगर हिंदी पढ़ते हैं तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ाते थे, तो दो लैंग्वेज भी चलती थी। फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जो जनरल टॉपिक्स होते हैं वही वही सब्जेक्ट सब थे। तो चॉइस होती थी कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो जब आपने ज्योग्राफी के बारे में सीखना शुरू किया, पता चला कि भारत देश है, फिर और भी देश है वगैरह वगैरह, उन दिनों में तो शायद संकल्प में भी नहीं होगा कि इन देशों में हम भी जाएंगे भविष्य में, पर उस समय जब आप ये सब जान रहे थे, तो आपको कोई ऐसी फीलिंग्स थी कि मतलब ओवरऑल लाइक अबाउट द वर्ल्ड, लाइक हाउ यू फेल्ट अबाउट द वर्ल्ड? क्या फीलिंग्स थी? जैसे आपने देखो, दो जाना दो तो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है इतिहास हिस्ट्री, दूसरी होती है ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री है किंगडम्स की, राइट, और ज्योग्राफी है टेरिटोरियल, इतना इसका। तो उन दिनों में जो हम स्कूल में पढ़ते थे वो पढ़ते थे किंग अशोक के बारे में, कि उसको बहुत था कि मैं सारे राज्य में, सारे विश्व में राज्य करूं, राइट। फिर कैसे वो बुद्धा के कांटेक्ट में आया, महात्मा बुद्धा के। तो उन दिनों में जब महात्मा बुद्ध का संदेश शुरू हुआ था, उस समय कहते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम कम एंड टेक असाइलम ऑफ एनलाइटेंड, क्योंकि वो लोग गॉड को नहीं मानते, एनलाइटनमेंट को मानते हैं, क्योंकि बुद्धा का मतलब ही अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट। तो जब अशोक किंग ने, उसकी बहन जाती थी, जब उसने सुना तो उसको वैराग आया, तो वैराग आया तो उसने कहा मैं क्यों मार रहा हूँ, नो फॉर टेरिटरी, फॉर लैंड, मैं क्यों इतने लोगों को ऐसे ही मार रहा हूँ। तो उसने फिर बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था। तो हिस्ट्री जो थी या
उस प्रेजेंट टाइम पर ये सब जैसे अभी भी मुझे याद है कि काफी चलता था। और आपने देखा होगा कि जो बुद्धा होता है तो वो क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने बुद्ध धर्म में जितनी तपस्या की, 1 साल 2 साल, उतना ही उसको बड़ा बुद्धा मानते हैं, तो हमने देखा है स्पेन में थे, पता नहीं कहाँ, तो एक बहुत बड़ा उनका टेम्पल था माउंटेन पर, तो उसमें अंदर बुद्धा थे। तो इसने इतनी तपस्या की, इसने इतनी की, तो थोड़ा थोड़ा उस धर्म का ख्याल में आता है, क्योंकि हिंदू धर्म से ही फिर बुद्धिस्ट निकले, फिर जैन, फिर उसके बाद तो देखो कितने हैं, आज स्वामीनारायण है ना, अब क्या था परिवार, गायत्री परिवार है, कितने ही कितने, पहले बड़ी ब्रांचेस, फिर छोटे 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 छोटे, जिसको ट्विक्स कहते हैं भाई, बहुत छोटी छोटी शाखाएं इस समय फैल रही हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो बाहर पढ़ते थे, फिर बाबा के पास जब आए तो हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, राइट। तो दीदी, जैसे हम सबका बचपन, उसमें जब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है तो अच्छे अच्छे नए नए ड्रीम्स आने लगते, मतलब ड्रीम्स बनाते हैं कि अच्छा मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ा होके ये वो, कईयों के हर दिन ही ड्रीम बदलते रहते हैं या कईयों के फर्म होते हैं। आपके साथ कैसे हुआ, जब आप समझ में लग गए तो आपके दिल में कौन सी भावना है, क्या बनना चाहते थे आप? नहीं, क्योंकि मैं बाबा की थोड़ी पहचान मिली, ज्ञान मिला, उससे पहले नहीं 11 साल में तो शुरू हो गया था ना ये सब, नहीं, अभी 51 तक ही उससे है, पहले तो नहीं कुछ सोचता था नहीं। ये। नहीं, उस आयु में तो बाबा और हमारे जो लौकिक में ग्रैंडफादर थे, वो चाहते थे मेरी सब बेटियां पढ़ें, क्योंकि वो ये कहते थे कि आज किसी भी कारण से उनको फिनेंशियल डिफिकल्टी आए, इन लॉस की तरफ से कुछ हो, तो ये लोग सेल्फ सफिशिएंट हो। तो अभी पहले तो लोग इस पढ़ाई का तो कईयों को तो लक्ष्य होता है ना, कमाई कैसे होगी, कईयों का लक्ष्य होता है कि एक क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए। उन दिनों में तो लड़कियों को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो चाहते भी नहीं थे माँ बाप, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे मुझे ऐसी बेटियाँ चाहिए, कहते थे मुझे कोई लॉयर चाहिए, कोई जर्नलिस्ट चाहिए, मुझे कोई मैजिस्ट्रेट चाहिए, मतलब बाबा है। तो हमारे लिए चॉइस जो थी वो यही थी कि हम करियर को देखें भाई कहाँ से कमाई हो सकती है, या अपनी जो भविष्य है, अगर बीके बनना है तो कौन सी नॉलेज काम में आएगी। तो उस बेसिस पर हमने हिस्ट्री पहले ली, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब तरह की, ब्रिटिश, इंडियन, सब हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की, और साथ में फिर पॉलिटिकल साइंस ली, दीदी अभी क्योंकि हम वहाँ नहीं पहुँचे, एक हाँ मिनट नहीं, आप पूछ रहे हो ना क्या नहीं बनना नहीं था। मेरा क्वेश्चन थोड़ा बचपन वाला था, जो बाबा से आने से पहले वाला, क्योंकि कई बार क्या होता है दीदी, जैसे हमारा हमारा भी अनुभव देखो, है उन दिनों में कि लड़कियों के लिए किसी के पास ये नहीं होता था कि ये पढ़ाई है। मतलब जैसे हम लोग भी जैसे बाबा के बने उससे पहले कुछ और सोचते थे, बाबा के बनने के बाद थोड़ा डिफरेंट एम हो जाता है अभी सोच। जमाना और है, उस समय हाँ और मतलब उस संदर्भ में मैं पूछ रही थी कि आपको उसके पहले कुछ है ऐसे थॉट्स थे। ज्ञान से पहले तो मुझे याद नहीं है, पर ज्ञान में आते ही जैसे एक चॉइसेस आई कि लॉ करें, कि फिर पॉलिटिकल साइंस की, फिर जर्नलिज्म किया। दीदी एक मिनट, हाँ वहाँ नहीं जाना है, अच्छा 51 था दीदी एक दो क्वेश्चन और भी किसी के आए हैं कल के जो चिट चिट चली उससे। तो आपको बचपन में ये सब, मैं आपको बाबा से मिलने के पहले क्या पूछ रही हूँ कि आपको कोई पर्टिकुलर हॉबीज थी आपकी? देखो, उन दिनों में तो घर में जो भी लड़की है उनको सब कुछ आना चाहिए,
तो ऐसे तो खेलते भी थे, स्कूल में भी जाते थे, लेकिन सब कुछ घर में होता था, तो खेलते थे, सब कुछ करते थे, खेलना पर हो क्या हॉबी थी। आपके घर में फोन था उन दिनों में? हमारा एक मामा जो था ना, वो मिनिस्ट्री ऐसी में था, वो फोन ही दिलाता उसका मतलब था तब आपके पास फोन था? फोन तो कैसा जरूर फोन था था, दीदी? वो बड़ा वाला, ऊंचा वाला ना, चक्कर चक्कर वाला, वाला? बहुत जोर से लग घुमाना पड़ता था ना। और रेडियो होते थे दीदी? रेडियो एंड फोन, टेलीविजन, टेलीविजन नहीं होता था? अच्छा, रेडियो तो सभी सुनते ही थे ना। तो आप न्यूज़ वगैरह उन दोनों में। अच्छा, एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि जब आप कराची से आप आए तो कौन से पोर्ट पे आए थे? कौन से पोरबंदर, पता नहीं कौन से, मुझे वो भी याद नहीं वो है, भी नहीं क्योंकि हम याद है। लोग दिल्ली आए, जैसे ये लोग यहाँ पर आए ना, अपना जो मंडली वाले जब वापस आए तो कहाँ पर आए वो, हाँ पोखरा, नहीं वो तो घर था, लेकिन कहाँ पर उतरा जहाज उनका, पोका, अच्छा ओखा, फिर वहाँ ओखा, से उन्होंने ट्रेन ली सबने आबू रोड के लिए, तो हमारे हम कब, मुझे तो याद नहीं है, तो आप उन दिनों क्योंकि में मैं तो दीदी, 4 5 5 6 साल की थी, तो याद नहीं है। आपको ये कौन सी राइड्स होती थी उन दिनों में? ट्रेन में जाते थे? कहाँ ट्रेन पर ऐसे ही, मतलब जो देखो, भी उन दिनों में तो ट्रांसपोर्ट में। अगर आप साल में एक बार कहीं चले जाओ ट्रेन में, ये तो बाद में चला ना, हर छुट्टियों में इधर जाओ उधर जाओ, तो ट्रेन में ही जाते थे, बस कुछ होती थी, ट्रेन होती थी, रिक्शा होती थी, सब साइकिल होती थी साइकिल होती थी, रिक्शा सब कुछ वाली। था। आप दीदी मोटर, वो तो शायद बाद में चलाते थे ना, मोटर तो नहीं शायद बाद साइकिल में, तो चलाते थे साइकिल चलाते थे। नहीं अभी 51 से पहले ऐसी कोई बात है जो आप, हमने नहीं चिटचट में की हो और आपको बताना हो 51 से पहले? गोलगप्पे खाना बहुत अच्छा अरे लगता वाह! था अच्छा, क्या होता था कि जो हम लोग के घर थे, तो शाम को एकदम फ्रेश गोलगप्पे बना के वो सिर पर टोकरे पे लेकर के आते थे, तो जो हमारी थे तो कई घर थे ना, कई बच्चे थे, तो वहाँ के वहाँ रुकते थे, तो हम सभी अपने घरों से अपने अपने पैसे लाके, जो पॉकेट मनी मिलती थी, भाई हमको 8 चाहिए, हमको 10 चाहिए, वो बड़ा बड़ा होता था, आजकल तो हम बनाते ही इतना है, मुँह पानी डाले अंदर राइट, तो पानी पूरी वो पानी अच्छा बनाते थे पुदीने का, और तो वो मुझे सभी बच्चे मिलके हम खाते थे, और मतलब कि देखो बचपन में तो क्या, छोटी आयु में रात को सोने से पहले ब्रेड और दूध मिलता था, ब्रेड बटर मिलती थी, सोने से पहले कुछ खा के सोते थे, मतलब बड़ा परिवार था, और बहुत बहुत हर तरह से अच्छी पालना होती थी। ब्रिटिश के टाइम में घोड़ा गाड़ी बहुत होती थी ना, घोड़े गाड़ी, टांगे वाला, वो भी होता होगा ना दिल्ली में? हाँ टांगा तो होता था, और टांगा तो होता था, कुछ दीदी 51 से पहले का? बस इतना ही बस याद है इतना ही? ओके, चलिए अभी आगे। आइसक्रीम थी? नहीं देखो बड़े परिवार में तो क्या है, कराची हलवा भी बनता था, मुझे अभी भी याद है, बहुत बनता था, और समोसे बहुत बनते थे, हर तरह की चीज़ें बनती थी, और फिर हमारे घर के सामने उन दिनों में भट्टियाँ लगती थी, भट्टी मतलब वो जिस पर तंदूरी बनाते हैं ना, तो शाम को हमको बेत आटा दे के जाओ बना के आओ तंदूरे, याद है आप लोग, किसी को हमेशा रोटी नहीं बनाते थे शाम को, वो ही बना करके बढ़िया नान की तरह,
तो आज के घर में बटर लगा के खाते थे। बाकी तो देखो बड़ा परिवार था, अच्छे थे, तो सब कुछ बनता ही था। मैंने वहीं से कोफ्ते की सब्जी मुझे अच्छी लगती थी तो सीखी। तो मैं जब बाबा के पास आई तो पहले कोफ्ते की सब्जी बनाई, तो बाबा को याद होता था, अरे मोहिनी आई अभी पुलाव बनाएगी, कोफ्ते की सब्जी बनाएगी, ये दो दीदी चीज़ें आती थी। दीदी शांति दीदी आपसे 10 साल छोटे थे, तो अराउंड 51 में ही उनका जन्म हुआ होगा, तो बहुत छोटे। तो मुझे याद है कि किसी ने हमें बताया था कि शांति दीदी को तो हमेशा ये लगता था कि आप ही उनकी बड़ी बहन हैं, उनको कभी ये पता ही नहीं था कि आप उनके कजिन हैं। तो बाद में शायद तो ये भी पता चला था कि आपने उनको काफ़ी जैसे ऐसे बहन काफी जैसे टेक केयर करते हैं तो। मैं तो करती थी, लेकिन मेरे से जो बड़ी बहन थी वो ज़्यादा करती थी, सबके बाल बनाना, करना, तैयार करना, मदद करती थी। मैंने इतना नहीं किया, परंतु फिर उसकी शादी हो गई तो उसके ऊपर फिर मैंने जिम्मेवारी ली थोड़ी आप सी। चोटियां बनाते थे उनकी? याद नहीं है मुझे, वो बहुत बनाती आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ लगता था? सभी या कुछ पर्टिकुलर किन के साथ, किसकी शिक्षाएं आपको ज़्यादा मिली? नहीं, क्या है कि सभी पढ़े लिखे थे, समझदार थे, और मतलब सभी से ही प्रेम प्यार बहुत था परिवार में। सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, या किसी को कोई भी किसी समय पर मदद चाहिए हो। मुझे याद नहीं कि खास, मतलब देखो माँ जो है उसके लिए ज़रा ज़्यादा रहता ही है, ऐसे माँ पालती है बच्चों को, पर हमने अपनी माँ को पाला, संभालते थे उसको टाइम पर, क्योंकि अकेली जीवन और हम सब बच्चों को पालना, तो मैं बहुत सपोर्ट देती थी उसको हर प्रकार से, उदास नहीं हो, उसको जो चाहिए तो खुश रखती थी मैं उसको। आपने एक बार ये भी मेंशन किया था कि आप घर में सबसे छोटे थे, फिर भी आप हमेशा काफ़ी मैच्योर रहे हैं पहले से ही, तो काफ़ी सबको आपने बहुत सपोर्ट किया हर तरह से। जिम्मेवारी तो रहती थी हम लोगों के यहाँ, बाबा के समय पर हमने कभी भी दरवाजे बंद करके, दरवाज़ा बंद होता था पर कुंडी नहीं, बंद नहीं किया। यहाँ भी आपको मालूम है, मैं न्यूयॉर्क में भी मेरा कोई कमरे का दरवाज़ा बंद करता है, मैं कहा नहीं करो, हम ऐसे तो बहनें ही रहती हैं लेकिन खुला रहने दो। तो क्या हुआ कि बहुत, अभी पता नहीं ये कितना आगे तक है, पर जो सेंटर भी था ना बहुत बड़ा था, दीदी दीदी वहाँ नहीं जाना है हाँ, इसलिए वो अभी, आगे एक है। मिनट। चलिए, अभी 51 में जो हमने बात शुरू की थी कि बहनें सेवाओं के लिए आई दिल्ली में, और आपके नाना के पास, मामा के पास, क्योंकि किसी न किसी काम के कारण आते रहे, और आप बच्चे उनसे मिलते थे, पीछे के साइड माताएं घर की भी मिलती थी, और फिर आप पहली बार आप सेंटर पर कब गए? पहले कौन गया, आप गए, आपकी माताजी गई, कौन गया सबसे पहले? मैं समझती हूँ कि 1957, 50, उसमें 51 में कोई नहीं गया था, 51 में सेंटर कहाँ थे? सो 52, 53। नहीं, बहुत वो लोग आते थे आबू से, थोड़ा रह के फिर चले जाते थे। आपने सुना है ना, यमुना नदी पे बैठते थे, कुछ था ही नहीं जगह। फिर उन लोगों को हम लोगों ने एक थोड़ा मकान लेके दिया, एक क्वार्टर था गवर्नमेंट का खाली था, तो हमने कहा आप रहो यहाँ पर। तो उन लोगों ने थोड़ी सेवा शुरू की, एक कमरे दो कमरे का था। तो फिर जब खुला तो बहनें तो हमको जानती तो थी, 51 से लेकर के 57 में मतलब फिर हम गए। तो दिल्ली में सेंटर कब खुला? दिल्ली की बात कर हाँ, रहे पर हैं, कौन सी साल में खुला? 57 में। 57 में खुला, तो 51 देखिए से दो तरह के से, एक ओल्ड दिल्ली थी, एक न्यू दिल्ली थी। हम लोग न्यू दिल्ली में रहते थे और
और एक सेंटर ओल्ड दिल्ली में जहाँ जगदीश भाई और दादी गुलजार चक्रधारी बहन थी, और इधर की तरफ न्यू दिल्ली पर मैं मतलब हम लोग थे। तो तो दीदी एक मिनट, 50, एक नहीं मिनट, देखो उस समय बहुत दूर एक सेंटर था जिसका नाम कमला नगर, अभी वो शक्ति नगर जहाँ चक्रधारी बहन रहती है। तो दिन को भोग लगता था तो मैं थोड़ा ध्यान में जाने लगी, दीदी तो एक मिनट, बुलाते थे एक बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई। कि हमारे जो घर के पास का जो सेंटर था ना वहीं जाएंगे ना, अभी रोज तो हम 1 घंटा नहीं टैक्सी या स्कूटर करके तो नहीं जाएंगे ना। तो जब घर के पास खुला तो मैं, मेरी माता जी, भाई, हम 3 4 लोग सब गए, साथ गए सभी गए हम लोग। 57 जैसे में। इनॉग्रेशन हो रही है ना तो बुलाते हैं, तो फैमिली सहित जाते हैं ना, तो हम गए फैमिली सहित वहाँ। और जाती रही फिर मेरी माता जी, पर समाज का बहुत जोर प्रेशर पड़ने लग गया, अभी उम्र ली जाते हैं, अभी शादी नहीं करेंगे, फिर दीदी सब। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा कनेक्शन। तो आपने कहा कि 51 से आपने बहनों को देखा, तो हाउ फ्रिक्वेंट, मतलब साल में एक ही बार आते नहीं थे, नहीं महीने में एक बार आते थे, किसी न कैसे? किसी तो काम से आते रहते थे, और फिर ये हमारी 7 साल ऐसे ही चला। हमें ऐसा लगा कि उन लोगों का तो कोई है ही नहीं। तो माता जी हमारी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और घर पवित्र था, माता जी थी, भाई और मैं, तो अच्छा खाना बनाते थे, उनको तो आप बुलाते अलग हो चुके थे, थे। हाँ मामा उनसे अलग हो चुके थे उन या दिनों, वो कौन सी साल में? नहीं, देखो क्या होता है वहाँ पर, जैसे हमारे गोपाल दादा थे उनको क्वार्टर मिला, फिर उसके बाद मेरे लौकिक भाई को मिला, जब उनकी जॉब परमानेंट होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से, पहले इकट्ठे थे फिर ऐसे घर बनते गए ना। कुछ ईयर याद है आपको, कौन कौन सी साल में, से साल में क्या कौन सी हुआ? साल में आप मतलब अलग हुआ? वही 56 57। तो मतलब इतने सारे साल ब्रह्मा कुमारी को सिर्फ आते जाते ही देखा आपने? आते जाते थे, या और जो दूर, मैं बता रही हूँ ना, दूर के जो सेंटर थे, दो सेंटर थे, एक तो ब्रिजमोहन भाई है ना, उनके फादर थे, वो उनका सेंटर था करोल बाग में, एक सेंटर था कमला नगर में, और ये दो सेंटर थे, एक था रजौरी गार्डन में जहाँ बाबा आया मामा आई, तो ये सब वहाँ जाते थे, पर हमारी साउथ दिल्ली में न्यू दिल्ली में नहीं था। तब तक आप गए ही नहीं थे सेंटर में? मैंने बताया ना उन सेंटर्स पे जाते थे कभी कभी, तो वही मैं जानना तो चाहती हूँ वही दीदी बता रही हूँ कि ना कि ध्यान में जाने लगे। नहीं, एक नहीं मिनट, सुनो ना, एक तो दोपहर को भोग लगता था वहां पर। दीदी एक मिनट, हमको ये क्लियर नहीं हो रहा है, कौन सी साल में आप पहली बार कोई भी सेंटर पर गए हैं? अभी इतना तो याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से 54। वही मैं ये जानना चाहती हूँ, पहली बार अभी वो हमें जानना है कि जब आप कब 54 या जो भी साल है, जब पहली बार आप सेंटर पर गए, तो पहली बार में ही आप, आपकी माता जी और आपके भाई गए थे साथ में? नहीं वो तो इधर जो पास में खुला ना वहां की इनॉग्रेशन, तो जो दूर वाले में जब आप पहली बार गए, तो मैं वहाँ आप अकेले गए थे? मतलब किसी को ले जाते थे कभी, मेरी फ्रेंड जाती नहीं, थी, पहली बार वाली अभी मैं इतना तो नहीं नहीं याद याद है। तो पहली है बार इतना सेंटर पर याद गए, उसका अनुभव? नहीं। तो जब आप इस सेंटर पे गए नहीं नहीं ना, पहली बार कोई भी सेंटर नहीं पर मुझे याद है बिल्कुल याद नहीं। अच्छा, पहली बार अब गए क्या हुआ। नो आई डोंट थिंक आई रिमेम्बर। ओके, तो कौन सी बार वाली का याद है आपको, सेंटर पर गया हुआ? जब ये नया सेंटर खुला ना, 57 का। हाँ, तो वहाँ पर जब गए तो मतलब थोड़ा ऐसा था कि किसी भाई ने खोला हुआ था एक कमरे में, और रुक्मणी दादी जो अलंडन दादी की बहन थी वो आती थी हर सैटरडे संडे, कोई रहती नहीं थी बहन, वो आती थी, और संतोष बाबा की जो संदेशी दादी ब्राह्मणी थी ना, ये दोनों बहनें आती रहती थी, मतलब हर हफ्ते आती थी। तो संदेशी दादी भोग लगा रही थी, तो मुझे कहा तुम भी बैठ जाओ सामने, बैठ गई,
तो उसने थोड़ा अनुभव सुनाया। उन दिनों में तो था, मैंने देखा आप वतन में थे, बहुत अच्छी कुमारी हैं, थोड़ा बहुत अच्छा संदेश सुनाया। पर उसके बाद फिर मैं जाती थी तो एक दिन थोड़ा नशा चढ़ गया तो सारी क्लास चली गई। मैंने आंखें खोली तो कोई था ही नहीं, 11 बज गए थे। मतलब मैं जब अमृत वेला करती थी ना, सवेरे उठती थी तो 2 घंटे इतना नशा, मुझे इतना रूहानी नशा था, 2 घंटे तो आराम से बैठ जाती थी। अभी आजकल तो कहते हैं ना भाई, बिंदु को कहाँ याद करो, या हमें तो ये था कि भगवान है, और अपना बहुत ही नशे में बैठ जाते थे 2 घंटे 2.5 घंटे। तो वहाँ से शुरू होके ये जब ध्यान का थोड़ा हुआ ना, तो नशा तो चढ़ता ही था, फिर धीरे धीरे थोड़े दृश्य दिखाई देने लग गए तो दीदी, ऐसे। ये आपने जब कहा, जब बहनें आपके घर आती जाती थी तब उन्होंने बताया कि ऐसे बाबा है माउंट आबू में, तो आपका कम्युनिकेशन बाबा के साथ कब शुरू हुआ? कब आपने बाबा को, मतलब ज्ञान कब सुनना शुरू किया और कब बाबा को जानना शुरू अभी किया? बहनें आएंगी और ज्ञान न सुनाए तो हो ही नहीं सकता है। तो बोलती रहती थी, कुछ ना कुछ सुनाती थी। अभी याद तो नहीं है, माताओं को सुनाते थे तो हम लोग भी थोड़ा सुन लेते थे। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि उस बाबा से कनेक्शन हो, तो मैंने बाबा को एक पत्र लिखा कि आप का बच्चा बनने के लिए आप एडॉप्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मैं आपकी बच्ची बन सकती हूँ। वो कौन सा साल होगा? वही 56 57 में। तो ओ बाबा ने एक बहुत अच्छा पत्र लिखा, तो वो बहनें कहने लगी आप आओ, हम पत्र नहीं देंगे, हम पढ़ के सुनाएंगे। क्योंकि पत्र सिंधी में था, ऐसे इशू दादी हिंदी में लिखती थी और पढ़ना ज़रा मुश्किल होता था, हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो, ज्ञान सुनने से अमर बनते हैं और प्रातःकाल ज्ञान सुनने से अमर रहेंगे, तो आप रोज़ क्लास करो। बस यही मेरी एडॉप्शन है कि ज्ञान सुनो और क्लास करो। तो हमने कहा ठीक है, दूसरे दिन से जाना शुरू कर दिया। उन दिनों में तो ना कोर्स होता था ना कुछ, मुरली सुनते थे। 2 हफ्ते के बाद मुरली सुनानी भी शुरू कर दी, क्योंकि और कोई वो बहनें आती नहीं थी, सिर्फ वीकेंड आती थी तो बहुत अच्छी मुरली सुनाते थे। तो ये आपने सुनाया था ना एक बार, कि पहली बार आपको मधुबन वाले मोहिनी दीदी ने ज्ञान सुनाया, तो वो कब, मतलब? वही जब बहनें आती रहती थी तो एक मेजर था मिलिट्री में, उसकी जो लड़की थी शशि नाम था, वो मेरी फ्रेंड थी, और एक और मेरे ऊपर रहती थी बहन, उसका नाम सुंदरी बहन था, जो फिर मेरी भाभी बनी। तो हम तीन थे, त्रिमूर्ति कन्याएं थे। तो मोहिनी को वहाँ लेके गए उनके घर में, तो कहती अभी बैठो मेडिटेशन करो। हमने कहा बैठो, तो उसने बताया, सब कुछ बता दिया, परम धाम है, फिर सतयुग में जाना है, ऐसे करके सारा ज्ञान सुना दिया। फिर बोला बैठो सभी, मन को एकाग्र करना है। तो हमारा मन तो अच्छा ही था, तो वो तो लग गया एकदम, तो मेडिटेशन के लिए बैठे, तो परम धाम में भी पहुंच गए, अच्छा लगा। हमने कहा घर भी मिल गया, वर भी मिल गया, और वर्षा भी मिल गया, राजधानी, और क्या चाहिए। पता लग गया अभी कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जिस तरह से उसने सुनाया ना, सब समझ में आ गया, और फिर उसके बाद योग भी लगने लग गया। तो मोहिनी बहन को फिर हम लोग घुमाने ले जाते थे, मतलब छोटी थी ना आयु में और थोड़ी लवली थी, हम लोगों से मेरे से बहुत था उसका शुरू से। और तो चलो आज आपको इधर ले चले, उनके लिए कुछ बना देते थे खाने पीने के लिए घर में, मतलब एक फ्रेंडली तरीके से ही चलता था। तो आपको कौन सी दादी याद है जिनसे आप पहले पहले मिले? हमारे साइड में, दिल्ली साइड में, दीदी मनमोहिनी, मनोहर दादी, गंगा दादी,
और ये चार पांच दादियाँ तो थी, ये सब फिफ्टी क्योंकि सिक्स बॉम्बे फिफ्टी साइड सेवन में फिर दादी प्रकाशमणि पूना में, दादी जानकी, तो वो लोग उस साइड पर थे, पर दिल्ली के साइड में ईस्ट में ये दादी ज़्यादा, फिर बाद में गंगा दादी, मनोहर दादी, फिर और सेंटर्स तो ये खुलते सब गए। अराउंड 56 57, ये सब अराउंड 56 57। तो आपकी लौकिक माता जी ने, आपके लौकिक भाई ने, सबने ज्ञान उन्हीं दिनों में सुना? बहन वगैरह तो शादी हो चुकी नहीं, थी, भाई और माता जी। या कभी जाते थे कभी नहीं, पर मैंने कभी मिस नहीं किया। वो लोग मतलब तो सबसे पहले आप स्टूडेंट बने। नहीं, मैं चलती रही, गए तो हम लोग कई, पर धीरे धीरे वो शांति बहन के भी फादर, कब तक पढ़ाई चलेगी, मतलब सब कुछ चिंता होने लगी ना। मैंने बताया कि अभी तो इधर उधर से फोर्स पढ़ने लग गया, तो आपने बाबा को जो पेड़े बनवा के भिजवाए थे, वो शुरू शुरू के दिनों में ना? बाबा रजौरी गार्डन में आए तो सबसे पहले आप कब अपॉइंटमेंट मिले? बनानी पड़ती थी। तो मैं कॉलेज अभी शुरू ही किया था, तो मैंने बहनों से कहा कि बाबा से मिलवाओ आप, तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम को 5 बजे बाबा तैयार होके बैठते हैं, आप आना। तो मैं गई कॉलेज से, सीधा ही गई। तो बाबा देखो ना, 83 के थे, और बाबा बहुत ही, बाबा कभी कुर्सी पे नहीं बैठते थे, संदली की तरह ना, जैसे एक कुशन की तरह बना होता था। बाबा के कमरे में भी आपने देखा है ना कि मैट्रेस पे बाबा बैठते थे, और न केवल मैट्रेस पर, फिर गोल तकिया था, कभी कभी उस पर बैठते थे। तो बाबा बैठे थे, बाबा ने बच्ची को दृष्टि वगैरह का तो पता नहीं था, बाबा ऐसे बातचीत कर रहे हैं, यानी 85 ईयर ओल्ड, मैं 16 साल की थी। अच्छा बच्ची फिर क्या पढ़ती हो, बच्ची फिर क्या, ऐसे ऐसे करके बाबा लौकिक तरीके से बातें कर रहे थे, ये नहीं पूछ रहे थे भाई मुक्ति चलना है, जीवन मुक्ति, ये सब तो बड़ी बातें होती है ना। तो एक जैसे प्यार बनता गया, संबंध बनता गया, तो बाबा नेचुरली जब संबंध बनता है तो बाबा की पालना शुरू हो जाती है ना, बाबा का पत्र, बाबा का दीदी, ये। वो पहली मुलाकात का ज्यादा और थोड़ा सुनाइए ना, कि क्या फील हुआ आपको? दो चीज़ें हैं ना, देखो हमको जो दिखता है वो हमारी जो चाहना होती है उस अनुसार। तो मैं जब ये गुरुओं को, कोई लंबे बाल लंबी दाढ़ी ये वो ऐसे ऐसे देखती थी ना, तो बड़ी, मैं उनको कहती थी कि जो परमात्मा का मतलब ये मिलने का मतलब नहीं कि अजीब से हो जाओ, अजीब से हो जाओ मतलब क्या कपड़े क्या, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नॉर्मल लाइफ चाहिए। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ईमानदारी है, सच्चाई है, प्रभु से प्रेम है, तो फिर जब बाबा को मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं गई तो बाहर बाबा की युगल थी जसोदा, सभी माताएं सब्जियां काट रही थी, फिर दूसरी तरफ देखा टोली बन रही थी, जैसे बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत ये सब व्यवहारिक। रजौरी गार्डन में जब बाबा पहली आए बार थे। जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो बाबा ने उनको इशारा किया कि बच्ची को चाय देना, कुछ देना, तो बाबा ने टोली दी। पर मुझे ये लगा कि बाबा ने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, व्यवहारिक बातें की, अच्छा बच्ची, तो ऐसे करते बाबा जैसे बाप और बच्ची का संबंध होता है। तो मेरे को बाबा से प्यार भी बहुत था, रिस्पेक्ट भी थी। फिर इससे बाबा ने कहा कि बच्ची छुट्टी हो ना कॉलेज से तो मधुबन आओ। तो मैंने कहा उन दिनों में लड़कियों को ट्रेन में तो इम्पॉसिबल है, और गाड़ियों में तो इतनी दूर कहाँ जाएंगे, पर फिर भी बाबा ने कहा। तो मैंने अपनी माता जी को कहा चलो जाएंगे ना, घूम के आएंगे। तो बोला कौन निकलने देगा, तो मैंने कहा किसी एक भाई को भी ले लो, कोई अपना भाई नहीं मतलब कोई को ले लो, क्योंकि निकलने नहीं देते थे ना तब उन तो दिनों। मतलब आप लोग अलग ही थे ना, नाना वगैरह के हाँ, तो थे पर नहीं। अलग में भी तो समाज की बात बड़ी है ना, अच्छा, ऐसे कभी माताएं बहनें ट्रेन में चली जाएं, होता ही नहीं था ना उन दिनों में, तो बहुत
पाबंदी नहीं कहेंगे, लेकिन एक सोसाइटी का कुछ ऐसा समाज में था कि लड़के या माताएं बहनें सब परिवार सहित जाते थे। चलो उसका पति नहीं है तो भाई जाएगा, कोई ना कोई पूरे संगठन से ही जाते थे हम लोग, लेकिन ज़्यादा लोग जाते थे। मुझे अभी पूरा याद नहीं, कैसे भी करके फिर हम गए, तो आपकी माता जी, आप और भी कोई होगा? हम दोनों गए, और कोई या तो उन्होंने ड्राइवर दिया मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग गए दीदी, बाबा आपकी जी। पहली मुलाकात जब बाबा से, उससे पहले आपने ऑलरेडी पत्र व्यवहार काफ़ी बार किया? मतलब बाबा की हाँ काफी बार किए हम ऑन लिखते रेगुलर ना, बेसिस होता था आपका हाँ व्यवहार, तो वो रेगुलर मतलब हाँ पत्र व्यवहार में क्या क्या एक्सचेंज होता था? अभी वो तो नहीं याद है इतना मुझे, कुछ याद है कुछ आप नहीं। कभी कभी ये सुनाते हैं कि आपकी बर्थडे थी तो आपने बाबा के लिए, हाँ तो वो वो मिलने से पहले हुआ था? भी याद नहीं है, पर इतना याद है कि पहला जन्मदिन था तो क्या भेजें बाबा को। तो उन दिनों में ड्राई फ्रूट बहुत महंगा होता था, और रुपये की वैल्यू के हिसाब से, तो हमने काजू खरीदे 1 किलो, उसको अच्छी तरह लपेट के बाबा को भेजा मेरे जन्मदिन का। देखो अभी तो जन्मदिन होता है लोग बताते ही नहीं हैं, फिर शाम को कहते हैं आज मेरा जन्मदिन है। हमारा तो ऐसा होता था कि सवेरे बताओ बाबा को, सेंटर पर भोग लगे, ऐसे करके तो मैंने काजू भेजा। तो बाबा जो थे ना, बाबा रमणीक बहुत था, लाइट हार्टेड, बहुत लाइट हार्टेड था, ऐसे नहीं कि बस सीरियस, फिर तो हम लोगों को शायद मज़ा भी नहीं आता। तो बाबा ने आधे काजू फ्राई करके नमक मसाले डाल के वापस भेजे कि तुमने शूद्र भेजे, मैं ब्राह्मण भेज रहा हूँ। लेकिन बाबा की इतनी टचिंग, मतलब इतना प्यार था। मुझे याद है एक बार हॉस्पिटल में किसी कारण से जाना हुआ, तो बाबा ने किसी के साथ 4 संतरे भेजे। वो भाई आबू से 4 संतरे लेके आया, बोला जब खाना पीना शुरू करे तो पहले ये जूस पिलाना है इसका। तो इतना दीदी, मतलब ऐसा लगता था नहीं, बाबा आबू से 4 संतरे कोई लेके आ रहा है, ट्रेन में 24 घंटे लगते थे, और उसका जूस पीना है पहले। और तो कैसे बाबा ने पाला बहुत प्रेम से, हाँ बहुत। वो लंबी कहानी है, हमें आज कोई सुननी भी है हमें, कोई भी ऐसे नहीं करेगा। या वो सारे अनुभव सुनने हैं हमें, बट वन बाय वन। दीदी, ब्रह्मा बाबा से आप साकार में मिले रजौरी गार्डन में, क्या वो बाबा की फर्स्ट ट्रिप थी दिल्ली में, या उससे पहले भी बाबा आ चुके थे? बाबा रजौरी गार्डन में फर्स्ट नहीं, वो सेकंड ट्रिप थी, पहली बार का तो हमें पता नहीं था, हम गए नहीं। और उसके बाद क्या है, सर्दी बहुत होती थी ना आबू में, तो बाबा की तबीयत के कारण कभी हम बॉम्बे चले जाते थे, कभी दिल्ली आते थे। तो दीदी, मम्मा से आपका इंट्रोडक्शन कब हुआ? बाबा से पहले आप मम्मा से मिले, या मामा मम्मा के मामा बारे अलग में से कैसे आती जाने? थी, मामा अलग से आती थी, जब भी आना है ट्रेवल करना है। आप पहली बार कब मिले? मामा से हम लोग दिल्ली में ही मिले पहले, तो बाबा से पहले मिले आप मम्मा से, या पहले बाबा से अभी ये भी मिले? याद नहीं है मुझे, पर दोनों से मिले ये तो पता हाँ, है। तो आप ये बताएंगे, आप जब पहली बार मम्मा से मिले तो क्या अनुभव हुआ और कहाँ मिले? ये जो करोल बाग का सेंटर था ब्रिजमन भाई के फादर के यहाँ, अच्छा बंगलो था उनका, तो वहाँ मामा आई हुई थी, तो उनसे मिले मामा से। तो एक जैसे ना क्या होता है, देखो माँ बाप तो हैं ही, एक फ्रेंडशिप सी बन गई थी। ये नहीं कि माँ तो है ही है, पर बहुत मित्रता थी। तो हम लोगों का तो देखो शुरू से यही था कि इन इनके लिए मामा को क्या अच्छा लगता है, कौन सी सब्जी लेके आए, कैसे करें। जैसे मन में उन दिनों में तो यही होता था कि इन लोगों के लिए कौन करेगा, हम तो परिवार में हैं तो ले जा सकते हैं, करते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत नज़दीक का संबंध। पर मामा का जो पुरुषार्थ था ना, वो जो तो दीदी, बात सुनाती आपको थी वो बहुत पावरफुल होती थी। आपको ईयर शायद याद नहीं है कौन से साल में आप मिले, पर
ये बता सकते हैं कि आप रेगुलर मुरली सुनने लगे उसके बाद आप इन लोगों से मिले या उनको पहले मिले फिर मैं तो आप रेगुलर हो गई थी 57 हो गए में, थे? जब शुरू हुआ बाबा का पत्र मिला एवरी मॉर्निंग, ठीक है नहीं है, फिर वापस आते थे या वहीं से हम फिर कॉलेज चले जाते थे। घर सवेरे क्लास होती थी 5 से 6 तक, क्योंकि बाबा कहता था माताएं ही जाती थी ना, तो इन सबको घर जाना है, बच्चों को नाश्ता खिलाना है, कल को ये ना कहे कि ब्रह्मा कुमारी के पास गए तो माताएं तो निकल जाती थी 4 से 5। हम लोग फिर वहीं सेंटर पर कभी रुकते थे, कभी वापस आके फिर कॉलेज जाते थे, तो 5 से 6 क्लास, पर कभी हमने क्लास मिस नहीं की। और 20 मिनट लगते थे पैदल, और जब हम क्लास में जाते थे तो रास्ते में या तो अखबार वाले फेंकते हैं ना अखबार, या दूध वाले, दूध डिलीवर करने वाले, बस वही लोग मिलते थे। पर ऐसा हो गया था कि वो भी हमें रोज़ देखते थे ना, तो उन्हें लगता था इनको हमें बचाना है, मतलब जैसे अकेली लड़की है, क्यों सवेरे सवेरे भागी रहते, भाग भाग के जाते थे तेज चल के, क्योंकि अंधेरा होता था ये वो। पर सब कभी ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। पर क्या है, ब्रह्मा कुमारियों के विरोधी बहुत थे उस समय, बहुत बहुत बुरी तरह से परिवार करते हैं, ये करते हैं जो नहीं, पहले कराची की बातें थी, तो सब खिड़कियाँ खोल के ये लड़कियाँ कहाँ जाती हैं, रोज सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते कहाँ जाती हैं, पर हम लोगों को तो किसी की परवाह ही नहीं थी, जो कुछ कहो देखो बोलो, हम तो इतने नशे में रहते थे कि करने दो बोलने दो बोलने दो। दीदी आपकी वो पहली मोमेंट कौन सी थी जब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर निश्चय जैसे यही शिव बाबा है यही मेरा बाबा है ऐसे कौन कब वो मोमेंट थी? अभी मोमेंट तो क्या कुछ, देखो हर एक चीज़ धीरे धीरे हुई हमारे लिए, पर बाबा से प्यार हो गया, बाबा हमारा है, ये हमारा यज्ञ है, लेकिन हमने डिसाइड नहीं किया था। ये तो मालूम था कि एक दिन ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, पर इस आयु में बनेंगे सोच नहीं सकते थे कि 16 साल में सफ़ेद कपड़े भी पहनेंगे, ये बिल्कुल लक्ष्य ही नहीं था जैसे। दीदी कई अपने अनुभव सुनाते हैं कि जब पहली बार बाबा को देखा पहली बार मम्मा को देखा तो ऐसे लाइट दिखी या श्री कृष्ण देखा या कुछ बहुत अनोखा सा अनुभव हुआ या मैं तो देखो बताया ना, मेरे भावुक नहीं थी मैं, मेरे को तो यही था कि लाइफ क्या है, प्रैक्टिकली लाइफ उनकी क्या है, वो मुझे बहुत पसंद आई। तो एकदम सबसे बड़ी बात, एकदम बाबा स्वच्छ, एकदम सिंपल, पर एकदम चेहरा चमकता हुआ, कि कृष्ण वगैरह तो नहीं दिखाई दिया, वो और साक्षात्कार में दिखाई दिया हाँ बाद। वो बातें हम अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो भी कई डीप बातें हैं तो आज थोड़ा समय हो गया है तो इसको कंटिन्यू करते हुए आगे के लिए सो 56 57 तक पहुंच गए हम दीदी साठ सो साठ वर्ष का अनुभव तो 60 साल लग जाएंगे, इसलिए ओके एक एक साल को बढ़ाते जाओ। बहुत देखो ना लंबी लाइफ है, 11 साल की एज में मिले, अभी 83 मेरी एज है, तो 83 11 कितने सालों का अनुभव, पर अच्छे, बहुत अच्छा। इस 74 में तो मैं यहाँ आ गई थी कनाडा में। अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हाँ नहीं, थोड़ा आपको, हैं थोड़ा आपको आगे बढ़ाएंगे ना, तो हाँ ये पहला चांस मिला है दीदी तो आराम से थैंक यू सो दीदी का बहुत बहुत थैंक्स आई एम श्योर सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा अभिव्यक्ति परिवार भी बहुत अच्छा अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं तो आपका दिल से बहुत आप ये थैंक्स है मोमेंट वगैरह नहीं करो, मंथ भी नहीं करो, ईयर कर लो फिर भी, अभी कैसे याद होगा फर्स्ट मोमेंट, है ना।
दीदी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं पूछ रही हूँ, सो आपको जो याद है आप बताइए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा स्टोरी को कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि तो आपसे कई बातें बहुत सुनी भी हैं लेकिन थोड़ा कनेक्शन नहीं बना है, तो इसलिए थैंक यू। ओके थैंक यू। ओम शांति व्यक्ति परिवार, अभी हम बाबा को याद करेंगे ओम दीदी से। मंडली का गीत गाओ कोई। शाम को कुछ सरप्राइज है और स्पेशल है टोरंटो परिवार, पूरा व्यक्ति परिवार को कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। शाम को 6:30 बजे से कुछ स्पेशल प्रोग्राम है व्यक्ति परिवार के शुरू होने से पहले, तो सभी ज्वाइन 6:30 बजे ज्वाइन कीजिएगा। टोरंटो परिवार कुछ स्पेशल कर रहे हैं। A loving intellect in order to become a victorious jewel. Love for one. A loving intellect means that the love of the intellect is always connected with the one beloved. When you always have love for one, then you cannot forge your love with anyone else or any possessions. Because a loving intellect means to constantly experience Bab Dada, to be personally in front of you. Those who are always in front of Bab Dada can never turn away from him. विजयी रतन बनना है।